Dear students, as in our last session, some of the students were facing problem in question number 5 of chapter 2 polynomials. So I am preparing a video for you so that you can revise any time you want with the help of this one. तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग. दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल एंड इट इज रिलेटेड टू ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. सो व्हाट इज गिवन हियर, इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के, देन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए. फाइंड k एंड a. सो हेयर आपको ये दिया गया है कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बाई सेकेंड पॉलिनोमियल तो जो रिमाइंडर हमारा आता है दैट इज इक्वल टू x प्लस ए. बट जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे बाई एक्चुअल डिविजन मैथड तो कब हमारा आंसर बेटे ना तो a की फॉर्म में आएगा, नहीं x की फॉर्म में, हाँ आ सकता है, और k की फॉर्म में आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर a इन्वॉल्व ही नहीं है दोनों पॉलिनोमियल के अंदर. तो सबसे पहले देखिए, हमें एक इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये यूज़ करना है. हम जानते हैं जब भी हम डिवाइड करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को तो जो रिमाइंडर आता है वो यूनिक होता है, यानी एक ही तो रिमाइंडर आएगा. ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को, डिविजन किया, रिमाइंडर कुछ और आ रहा है. अदर स्टूडेंट इज सॉल्विंग एंड रिमाइंडर इज कमिंग डिफरेंट. ये तभी पॉसिबल है जब एक ने रॉन्ग किया हो, तभी रिमाइंडर वेरी करेंगे. अदरवाइज हर एक प्रॉब्लम की रिमाइंडर यूनिक होती है, सभी क्वेश्चन में एक ही रिमाइंडर आता है. तो अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है जो हम एक्चुअल डिविजन मैथड से निकालेंगे वो तो हमारा रिमाइंडर है बाई अवर कैलकुलेशन, लेकिन जो यहाँ पर रिमाइंडर बताया गया है दैट इज एक्स प्लस ए बताया गया है. तो हम लोग ये तो चीज़ तो कह सकते हैं ना कि अगर ये एक ही क्वेश्चन का रिमाइंडर है दोनों, ये वाला जो बुक में गिवन है और एक हमारा एक्चुअल जो खुद आएगा सॉल्यूशन के बाद, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए. बिकॉज अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो यूनिकनेस को ही ख़त्म कर देगा रिमाइंडर की. तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें जो रिमाइंडर आएगा हमारा बाय सॉल्यूशन, वी हैव टू कीप दैट रिमाइंडर इक्वल टू गिवन रिमाइंडर. तो जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें बताया जाए कि डिवीजन के बाद रिमाइंडर इतना आएगा और कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाए, तो लॉजिक यही लगाना है आपको. पहले आप लॉन्ग डिवीजन से डिवीजन करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा उसे इक्वल रखेंगे गिवन रिमाइंडर के, यानी अपना रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू गिवन रिमाइंडर. वहाँ से फिर कंपेयर करके हमारा आंसर आएगा. बट समवेयर हेयर डिविजन इज लिटिल बिट टिपिकल. तो हम लोग करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें सॉल्व करना है. सो लेट स्टार्ट डिविजन. सबसे पहले हम जानते हैं बेटे जिसको डिवाइड करना है उसे हम जनरली पी एक्स सपोज करते हैं. सो हेयर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 कॉमा जी एक्स, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं दैट मीन्स अवर डिवाइजर. सो वी कॉल इट जी एक्स. सो जी एक्स इज इक्वल्स टू दैट इज जी एक्स. नाउ वॉट इज अवर रिमाइंडर? अवर रिमाइंडर सॉल्व करने के बाद आएगा, बट गिवन रिमाइंडर तो हम लिख सकते हैं ना. सो गिवन आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए. नाउ दैट इज़ गिवन. अब हमें निकालना है अपना रिमाइंडर बाय डिवीजन. तो हम लोग चलिए डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है. सो नाउ लेट अस डिवाइड. हाउ वी डू डिवीजन, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ. व्हाट वर द स्टेप्स वी यूज टू डू. फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं. एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर विल कम, सो आई विल राइट एज फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन. नाउ एक्स 4 माइनस 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर. पुट अ लाइन एंड साइन विल बी चेंज्ड. नाउ इट विल बी कैंसल्ड. नाउ माइनस 6, अब इसे भूल जाइए, अभी कन्वर्ट होकर प्लस बन चुका है. सो वी विल कंसिडर माइनस 6 एंड प्लस 2. इट विल बी माइनस 4x³ प्लस. नाउ सी एक्स स्क्वायर माइनस होगा, बट वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट के फ्रॉम 16. तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे. 16 में से हमें के सब्ट्रैक्ट करना है एंड इट इज टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. यानी हमें माइनस करना है ना दोनों में से. तो 16x² माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर, 16 माइनस के इन ब्रैकेट. नाउ
these terms will be here. In next step, we have to divide this first term again by same term. So minus 4x cube upon x square, it will be equal to minus 4x. So minus 4x into x square, minus 4x cube, minus minus plus, 4 2s are 8x square. So x square ke niche hi aayega, minus 4kx. कैंसिल. नाउ सी हेयर, x स्क्वायर हटाना है ना, तो रफ में करके देखेंगे आप लोग इस चीज़ को. 16 माइनस के, आई एम राइटिंग हेयर 16 माइनस के, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, सो क्या हो जाएगा, माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर बाहर. सो 16 माइनस 8 8, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 16 माइनस के, आई विल गेट 8 माइनस के. सो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. नाउ माइनस 25x प्लस 4kx. सो रफली लिखिए इसे, माइनस 25x प्लस 4kx. माइनस 25 प्लस 4k, सी केयरफुली, एक्स तो कॉमन आ सकता है दोनों में से. सो एक्स इज आउटसाइड, अंदर क्या रह जाएगा देखो बेटे, और कुछ कॉमन नहीं है, 4k माइनस 25 अंदर आ जाएगा. सो आई एम गेटिंग दिस टर्म एज प्लस 4k माइनस 25 विद एक्स. नाउ 10 एज इट इज. नाउ लास्ट स्टेप, अगेन वी हैव टू डिवाइड दिस फर्स्ट टर्म बाय द सेम टर्म एक्स स्क्वायर. जब हम डिवाइड करेंगे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, तो ये तो कट हो जाएगा, 8 माइनस के विल बी द कोशेंट पार्ट. 8 माइनस के इज हेयर. सो नाउ 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव मी 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. नाउ माइनस 2 हैज़ टू मल्टीप्लाई विद दिस वन विद एक्स. तो एक्स तो हम बाहर ही लिखेंगे, हम माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो माइनस 2 इंटू 8 प्लस हम लगा रहे हैं क्योंकि माइनस को हम अंदर ऑपरेट करेंगे. सो माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16, माइनस 2 इंटू माइनस के. सो माइनस माइनस प्लस 2k ओवर x. नाउ k इंटू दिस टर्म, आई एम गेटिंग 8k, 8k माइनस k स्क्वायर. अगेन पुट अ लाइन एंड साइन शुड बी चेंज्ड. सो माइनस माइनस माइनस, इट इज़ एग्जैक्टली कैंसल्ड, सेम टर्म है 8 माइनस के एंड विद माइनस साइन 8 माइनस के. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व रफली, हम इसे रफ में सॉल्व करके देखेंगे. x तो कॉमन है दोनों में, बाहर आ जाएगा, तो चलिए अंदर क्या रह जाएगा, 4k माइनस 25. ये बाहर माइनस है तो माइनस इस पर ऑपरेट होगा, माइनस माइनस प्लस 16 माइनस प्लस माइनस 2k. सो इट इज़ माई सिंप्लीफाइड टर्म. अब इसे थोड़ा और खोल देते हैं, ओपन कर लेते हैं. सो 4k माइनस 2k विल गिव मी 2k माइनस 25 एंड 16. सो आई एम गेटिंग 25 माइनस 9 ओवर एक्स. वी सॉल्व देम टुगेदर एंड दिस टुगेदर. सो आई एम गेटिंग, माइनस करने के बाद आई एम गेटिंग प्लस 2k माइनस 9x प्लस. नाउ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट कॉन्स्टेंट फ्रॉम कॉन्स्टेंट. सो ब्रैकेट में लिख लीजिए, 10 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कंप्लीट टर्म. सो माइनस 8k माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर. नाउ सी केयरफुली हेयर, 2k माइनस 9 ओवर x प्लस दिस टर्म. जब हम इसको देखें तो इसकी डिग्री 1 है एंड डिग्री इज 2. सो रिमाइंडर कब आता है, जब डिग्री ये जो हमारी टर्म है उसकी लेस हो एज कम्पेयर टू डिवाइजर. सो 1 इज़ लेस देन 2, सो दिस इज़ अवर रिमाइंडर. ये आगे क्वेश्चन नहीं चल सकता है. सो दिस इज़ रिमाइंडर. सो हमें क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर दे रखा था x प्लस a एंड अवर ओन रिमाइंडर इज़ दिस वन. सो आई नो कि किसी भी क्वेश्चन का यूनिक ही रिमाइंडर होता है, इसका मतलब दोनों को इक्वल होना चाहिए. सो आई शुड राइट हेयर. इसके बाद बेटे आई एम राइटिंग हेयर, आप इसे आगे फर्दर कॉपी में नीचे कीजिएगा. So, since our Rx on division is equal to how much? 2k
minus 9 over x plus 10 minus 8k plus k square. So both should be equal, our rx and given rx. So 2k minus 9 over x plus 10 minus 8k plus k square should be equal to x plus a, because every question has unique remainder. So now what we do, इसके बाद हम करते हैं बेटे comparison. So on comparing, comparing means what? Comparing means we have to compare coefficients. वेरिएबल के कॉफिशेंट को वेरिएबल के इक्वल रखते हैं और कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के इक्वल रखते हैं. नाउ सी केयरफुली, यहाँ पर वेरिएबल x है तो x का कॉफिशेंट 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, और यहाँ पर x का कॉफिशेंट दिस टर्म, तो दोनों को बराबर रखेंगे. सो आई एम गेटिंग 2k माइनस इज इक्वल टू 10 एंड 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a. So using these two equation, I have to find the value of k and a. तो पहले हम निकालते हैं k की value, इस equation से निकालेंगे. This implies 2k is equal to, here it is 1, not 10. By mistake I wrote 10, ये x का coefficient 1 है तो 1 रखा जाएगा, और यहाँ x का coefficient 2k minus 9 है, so I kept it. So देखिए, it will go in addition, तो ये 10 हो जाएगा, so I am getting k is equal to 10 upon 2, that means 5. So my first answer is 5. Now I need to find value of a. तो क्या करना पड़ेगा, I have to put k here. So now call it equation 2. So put k is equal to 5 in equation second. So 10 minus 8 multiply 5 plus 5 square 25 is equals to a. So I should write 10 minus 40 plus it is 25 is equal to a. 25 and 10, 35, 35 minus 40, so a is equal to minus 5. So I got both answers as k is 5 and a is equal to minus 5. तो आप लोग समझ गए होंगे. फॉर योर एडिशनल प्रैक्टिस, सम क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन इन आर एस अग्रवाल रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जिसमें रिमाइंडर भी दिया जाता है और आपको कॉन्स्टेंट निकालना होता है. सिंपली क्या करना है, पहले आप खुद से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा यू विल कीप दैट रिमाइंडर इक्वल टू गिवन रिमाइंडर. सो गिवन रिमाइंडर के बराबर रखेंगे, देन ऑन कंपेयरिंग एक्स टू एक्स कॉफिशेंट दोनों के बराबर रखेंगे, कॉफिशेंट ऑफ एक्स हेयर एंड हेयर ऑल्सो, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट को इक्वल रखकर यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अननोन कॉन्स्टेंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है. तो इसे आप स्टार्टिंग से ट्राई वन मोर टाइम योर सेल्फ, इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन सेशंस, तो आप पूछ सकते हैं इजिली. तो सबसे पहले आपको इसको प्रैक्टिस करना है, एंड दिस क्वेश्चन मस्ट बी प्रैक्टिस वेल, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस चैप्टर में बच्चों का डाउट इस पर थ्रू आउट द होल सेशन रहता है. तो आप लोग इसी प्रॉब्लम को अपनी अभी सॉर्ट आउट करके चलिए कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो सिंपल डिविजन देन कंपेरिजन, और कुछ नहीं है इसमें. आपको डिविजन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए. अगर आपको डिविजन अच्छे से आता है तो ईजिली आगे का वर्क बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है. मेन थिंग इज टू गेट दिस रिमाइंडर. यहाँ गड़बड़ होती है, देखिए यहाँ माइनस करने में गड़बड़ होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि बाहर प्लस ही साइन लगाइए. जैसे हमें माइनस करना है ना, 16 माइनस के से 8 हटाना है, तो 16 में से 8 गया, 8 आ गया, और माइनस के एज इट इज, तो बाहर प्लस साइन लो, माइनस को आप अंदर इन्वॉल्व करके चलो ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 5. एंड नाउ एज आई शेयर्ड लिंक ऑफ चैप्टर 3 बेसिक्स, वो अभी 3.2 के लिए आपसे शेयर किया है. सो यू मस्ट वॉच दैट वन एंड कंप्लीट दिस चैप्टर. एंड नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो, इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ वीडियो, आई विल मेक प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3. सो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन अलॉट. थैंक यू.